Hi and welcome to my episode of Tea with Vaishnavi. Tea with Vaishnavi में आपका स्वागत है एक नए अंदाज में. इस हफ्ते से पहला एपिसोड मेरा और आने वाले हर फ्राइडे को 6 बजे शाम को कोशिश करूंगी एक नए एपिसोड लाने की. टी विद वैष्णवी में पहला जो मेरा मुद्दा है और हर मुद्दे के पीछे एक रेलेवेंट सब्जेक्ट होगा. रेलेवेंट इन द सेंस के ऐसी चीज़ जो हम डे टू डे लाइफ से गुजरते हैं, चुनौतियाँ, प्रॉब्लम्स, समस्याएं और मनोभाव, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिससे हम जूझते हैं. कई बार अपने खुद के लाइफ से शेयर करूँगी तो कई बार मैं आप लोगों की मुलाकात ऐसे लोगों से करवाऊँगी जिनके लाइफ में ऐसी चुनौतियां आई और जिन्होंने उन चुनौतियों का सामना किया और विजयी निकले और परमेश्वर के अनुग्रह से उन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल भी किया. तो मेरी कोशिश हमेशा यही लगी रहेगी कि आपको कुछ नया, हर हफ्ते कुछ नए टॉपिक पर बात हो. इफ़ यू लाइक माई एपिसोड्स आफ्टर सीइंग इट तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. मती की किताब 5:44, प्रभु यीशु बाइबल में कहते हैं, अपने दुश्मनों को माफ करो, जो तुम्हारा बुरा करता है उसका भला करो. उसी चैप्टर में वो आगे और भी कहते हैं कि कोई तुम्हारी शर्ट मांगता है तो उसे अपना कोट भी दे दो, कोई तुमसे एक मील चलने के लिए कहता है साथ में तो उसके साथ 2 मील आगे चलो, वगैरह वगैरह. तो मैंने जब ये पहली बार ये वाक्य पढ़ा था, ये चैप्टर पढ़ा था, तो मुझे लगा क्या ये प्रैक्टिकल भी है, क्योंकि मैं बहुत ही प्रैक्टिकल पर्सन हूँ. क्या ये आज की दुनिया में प्रैक्टिकल है? क्योंकि मैंने हमेशा सुना था आंख के लिए आंख, नाक के लिए नाक, एंड बदले के बदले बदला, खून के बदले खून. यही चीज़ें दुनिया हमें सिखाती है और यही चीज़ें हम सही भी लगती हैं, जस्टिफाइड लगती हैं, ऐसा लगता है कि यही जायज़ है. फिर मैंने सोचा और मैंने ऑब्जर्व किया बाइबल में कि यीशु का जीवन कैसे था इतिहास में. एक वैश्या जो नामचीन वैश्या थी वहाँ की, यहूदी देश की, और उसे लोग बहुत ही नकारते थे, धुतकारते थे, वो यीशु के चरणों में गिरी. उसने यीशु के वचन सुने और उसका हृदय बदला. ऐसे ही तो नहीं हुआ होगा, उसने अपना पूरा जीवन बदल दिया और समर्पित किया परमेश्वर को. तो क्या था वो ऐसी क्या चीज़ थी, वो ऐसा क्या आत्मिक पदार्थ था जिससे उसका हृदय परिवर्तन हुआ? और बहुत सोचने पर और स्टडी करने पर ये समझ में आता है, और उसे एक्सपीरियंस करने पर ये समझ में आया कि वो जो चीज़ जिसने उसका जीवन बदला उस वेश्या का यीशु के चरणों में, वो था क्षमा, प्रेम और क्षमा. तो यीशु जब कहता है कि अपने दुश्मनों को माफ़ करो तो वो खुद भी करता है. जब वो कहता है तू जो तुम्हारा बुरा करता है उसका भला करो, वो भी करता है. जो तुम्हें श्राप देता है उसे आशीष दो, तो यीशु देता है. कितने ऐसे हैं जो परमेश्वर से कहते हैं कि तूने मेरे लिए कुछ अच्छा नहीं किया, परमेश्वर को श्रापित करते हैं, परमेश्वर को बदुआ देते हैं, लेकिन परमेश्वर फिर भी अपनी रोशनी हर एक को देता है. सूरज हर एक पे उगता है, बारिश हर एक पर होती है, अनाज सबके लिए उपज आता है. और फिर मैंने देखा कि यीशु जब क्रूस पर लटके हुए थे, जब वो मारे जा रहे थे और उनके यहूदी लोगों ने ही उन्हें उस क्रूस पर चढ़ाया था, तो वो क्या कह रहे थे जब वो इतने तकलीफ में थे, प्राण निकल रही थी उनकी? उन्होंने कहा, हे पिता, अपने परमेश्वर पिता से कह रहा था, हे पिता इन्हें माफ़ करना, ये नहीं जानते कि ये लोग क्या कर रहे हैं. तो यीशु ने जो कहा उसने कर दिखाया. और वो कहता है कि हम भी कर सकते हैं, खुद के बल पर नहीं, लेकिन उससे मदद मांगकर हम भी क्षमा कर सकते हैं. क्षमा में छुटकारा है, क्षमा में आज़ादी है. हाल ही में मैं एक शॉर्ट फिल्म भी बना रही हूँ इसी विषय पर, क्योंकि मुझे लगता है ये आज की दुनिया में कितना ज़रूरी है. क्योंकि साइंस ने अभी प्रूव किया है कि आधे से ज़्यादा हमारी जो बीमारियाँ होती हैं, आधे से ज़्यादा जो हमारी तकलीफें होती है बॉडी में, वो क्षमा ना करने की वजह से होती है, बिटरनेस की वजह से होती है, एक दूसरे के लिए नफरत, पैर, ईर्ष्या. खुद के बल पर हम ये बदल नहीं सकते, क्योंकि कुत्ते की दुम जो होती है वो टेढ़ी होती है, और हमारा जो स्वाभाविक रूप से हम जैसे हैं, हम मनुष्य, क्योंकि हम पापी स्वभाव में गिरे हुए हैं. बाइबल कहता है हमारे अंदर एक पापी स्वभाव है,
उसकी वजह से हम मजबूर हो जाते हैं और हम ऐसी चीज़ें करते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है अब मजबूर होने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तुम्हारे लिए रास्ता बनाया है, तुम भी क्षमा कर सकते हो, प्रेम कर सकते हो, यस अपने दुश्मनों को भी। आप पूछोगे कि क्या मैंने ऐसे किया है? जी हाँ, आसान नहीं था। जी तो करता है कि चमट लगा के दो, जी करता है कि जिसने बुरा किया उसका भी बुरा हो। लेकिन जब भी मैंने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया, जब भी मैंने वो किया जो यीशु ने कहा करने के लिए, मैंने उसका प्रतिफल अपने जीवन में देखा है। सबसे बड़ा फल जो आता है अपने जीवन में वो है शांति, आनंद, ठहराव। एक बात बताइए, आज की डेट में सबसे बड़ा किलर क्या है? जी नहीं, कोरोना वायरस नहीं है, स्ट्रेस। स्ट्रेस की वजह से आधे से ज्यादा लोग बीमारियों से मर रहे हैं। और स्ट्रेस आता क्यों है? क्योंकि बहुत सारी चीजें हम अंदर बॉटल करके रखते हैं, रिलीज नहीं है, वी आर नॉट एबल टू कम आउट ऑफ इट, वी आर ऑल स्टक। हम एक पिंजरे में बंद हैं, खुद के बनाए हुए पिंजरे में, अपने ही प्राण के, अपने इमोशंस के, अपने भावनाओं के पिंजरे में बंद हैं। और परमेश्वर हमें वहां से बाहर निकालना चाहता है, और क्षमा उस पिंजरे की चाबी है। आई एम टेलिंग यू, यीशु ने साफ साफ कहा बाइबल में, तुम क्षमा नहीं करोगे, तुम क्षमा नहीं किए जाओगे। यानी कि अगर हमें क्षमा चाहिए, हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ थोड़ी थोड़ा सा सख्ती कम करे, हमें थोड़ा सा छूट दे, हमें माफ कर दे, तो हमें भी वही करना होगा, हमें दूसरों को भी क्षमा करना होगा। आसान नहीं है, बिल्कुल नहीं, पर परमेश्वर के अनुग्रह से ये पॉसिबल है, मुमकिन है। एक बार करके तो देखो, इतना छुटकारा, इतनी आजादी, ऐसे चैन की नींद मिलेगी। और क्षमा करना सिर्फ इतना नहीं होता, कोशिश करना है कि जिस इंसान को जिसने आपको हर्ट किया है, उसे आप फोन करके क्षमा कर दो, या उससे मिलकर आप कहो कि मैं तुझे माफ करता हूँ, या उसका कुछ ऐसा भला करो उसके लिए, ताकि उसे भी एहसास हो। यीशु ने कहा कि जब हम जो हमारा बुरा करते हैं उसका भला करते हैं ना, तो हम जैसे कि जलते हुए कोयले डालते हैं सर पे। जितना बदले में संतुष्टता नहीं है, उतना इसमें है, जब आप भला करते हो उसका जो आपका बुरा करता है। शांति है और आनंद है, तृप्तता है। तो आज के लिए इतना काफी है, और मैं चाहती हूँ कि मैं आप सबके साथ आज प्रार्थना करूँ। तो आप में से जो भी मेरे साथ इस वक्त जुड़ना चाहते हैं प्रार्थना में, तो प्लीज जुड़िए। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ कि परमेश्वर आपको ये अनुग्रह दे कि आप उनके हृदय को समझ सके कि अगर यीशु क्षमा कर सकते थे, एक मनुष्य बनकर इस धरती पर आए, हालांकि वो परमेश्वर के पुत्र थे, लेकिन फिर भी वो धरती पर आए, मनुष्य बने, और उन्होंने मनुष्य बनकर क्षमा किया, तो हमें भी एक दूसरे को कोशिश करनी है कि हम भी क्षमा करें। तो इस क्षमा के लिए मदद हम परमेश्वर से मांगेंगे, क्योंकि क्षमा ना करने की वजह से, नफरत की भावना की वजह से युद्ध जंग छिड़ जाते हैं, और कितने लोगों के जीवन चले जाते हैं, कितना नुकसान होता है देशों को। और वही उसी जगह अगर क्षमा और प्रेम आ जाए, तो फिर समस्या किस बात की। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 प्रभु। प्रभु आज के इस दिन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, समय के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं हर एक व्यक्ति के लिए जो इस वक्त इस वीडियो से जुड़े हुए हैं और इस वक्त मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप आशीषित करें हर एक व्यक्ति को प्रभु जो सुन रहे हैं, और प्रभु जिन्होंने अपने हृदय को खोला है और विश्वास कर रहे हैं, और प्रभु वो चाहते हैं कि वो क्षमा करें, और प्रभु बदले में उन्हें क्षमा भी मिले प्रभु आपसे, और उनसे जिनका उन्होंने दिल दुखाया है या जिनको उन्होंने ठेस पहुंचाया है। प्रार्थना करते हैं कि सबको प्रभु आप अनुग्रह दें, जैसे आपने मुझे भी दिया कई बार। प्रार्थना करते हैं कि सभी भाई बहन जो इस वक्त सुन रहे हैं, सबको अनुग्रह मिले कि वो लोगों को क्षमा कर सके, खास करके वो लोग जो बहुत ही, जिनको क्षमा करना नामुमकिन के बराबर है, कठिन है, जिनके लिए सदियों से, सालों से बेर लेकर बैठे हैं, जो एक तरह से एक नासूर, एक घाव बनकर रह गया है अंदर, उस घाव को भर दे प्रभु इस वक्त,
हर एक के लिए जो इस वक्त प्रार्थना के द्वारा जुड़े हुए हैं, उनके लिए प्रार्थना करते प्रभु कि आज एक अलौकिक चीज हो उनके जीवन में, एक चिन्ह दो परमेश्वर कि आप सच में जीवित हो और आप हमारी प्रार्थना सुन रहे हो। हर एक के जीवन में वो चिन्ह आए शांति और आनंद के द्वारा, और एक एक अनुग्रह और एक सामर्थ्य के द्वारा वो क्षमा कर सके दूसरों को, और कई बीमारियां जो उससे जुड़ी हुई है, हम विश्वास करेंगे इस वक्त कि जो भी इस वक्त मेरी प्रार्थना सुन रहे हैं, तो अगर आपके शरीर में कोई भी ऐसी बीमारी या समस्या, हम प्रार्थना कर रहे हैं इस वक्त कि जैसे जैसे आप क्षमा करोगे, जैसे जैसे आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन करोगे, परमेश्वर वो चंगाई इस वक्त रिलीज कर रहा है उन चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए जहाँ पे वो एक बीमारी बन के रह गया अंदर। हम प्रार्थना करते हैं कि वहाँ पे परमेश्वर आपकी चंगाई आने दो, आपका छुटकारा आने दो, आपकी आज़ादी आने दो। धन्यवाद, ये सब हम मांगते हैं पिता परमेश्वर आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम के द्वारा धन्यवाद देते हुए, आमेन। थैंक यू सो मच आज मेरे इस वीडियो में जुड़ने के लिए। गॉड ब्लेस यू, हैव अ वंडरफुल वीक अहेड। फिर से मिलते हैं अगले हफ्ते एक और एपिसोड के साथ।